हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं प्रेशर कुकर में चावल। फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल बटन दबाना ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अभी बनाना शुरू करेंगे। प्रेशर कुकर में चावल बनाने के लिए मेजरमेंट कैसे डालना जरूरी है। प्रेशर कुकर में चावल बनाने के लिए यहाँ पे बासमती चावल यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो जो चावल घर में यूज करते हो उसमें भी बना सकते हो। इसके लिए मैंने 2 ग्लास चावल ले रही हूँ। इसको 3 बार अच्छे से धो लेंगे। अब धुला हुआ चावल को कुकर में डाल के जिस ग्लास में चावल लिए थे उसी ग्लास में 1.5 ग्लास पानी डालेंगे। 1 ग्लास के लिए 1.5 ग्लास पानी लेंगे। उस हिसाब से 2 ग्लास के लिए मैं 3 ग्लास पानी डाल रही हूँ। आप इसको फ्राइड राइस के लिए और बिरयानी के लिए बनाएंगे तो 1.25 ग्लास पानी भी डाल सकते हो। अभी गैस ऑन करके 1 विसल आने तक पकाएंगे। इसको 1 विसल से ज्यादा नहीं पकाना है। अभी 1 विसल आ गई, इसको तुरंत गैस को बंद कर देंगे। ये प्रेशर इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर प्रेशर निकल जाएगा तो इंडिकेटर नीचे चले जाएगा। तब तक 10 से 15 मिनट हम वेट करेंगे। अभी 15 मिनट हो चुका है, इंडिकेटर भी नीचे चले गई। अभी चावल को देखेंगे। देखिए इतना अच्छे से पक के रेडी हो चुका है। ऐसे सही मेजरमेंट में प्रेशर कुकर में चावल बना के खाइए। आपका मेहनत और गैस को बचाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। चलिए अगले रेसिपी के साथ मिलते हैं। शुक्रिया।